अस्सलाम वालेकुम। आज के न्यू लेक्चर में आप सबको वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली कवर करना है क्लास डायग्राम के बारे में। हम स्टडी करेंगे कि क्लास डायग्राम क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अभी तक हमने जो क्या किया है कि हमने देखा है कि हम किस तरह प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, एंड बेसिकली जो मॉड्यूल्स होते हैं वो हमारे पास क्लासेस ही होते हैं, और हमने आइडेंटिफाई करना भी सीख लिया था क्लासेस का। फिर आपको कोड में दिखा भी दिया कि हम कैसे क्लास को इंप्लीमेंट करते हैं, उसके डिफरेंट फीचर्स बता दिए, कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड डीप एंड शैलो कॉपी में डिस्कस किया। तो अभी हमने क्या करना है, क्लास डायग्राम के ऊपर जाना है कि क्लास डायग्राम बेसिकली होता क्या है। तो हम बेसिकली क्लास डायग्राम पढ़ते क्यों हैं या हम जाते क्यों हैं, हमें ये डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आप सबने पढ़ा होगा, देखा होगा कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर SDLC के फेजेस हैं या SDLC का पूरा लाइफ साइकिल है, उसके अंदर हमारे पास फेजेस हैं। तो प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या आता है, तीसरे फेज पे आता है। फर्स्ट हमारे पास एनालिसिस, डिजाइन, देन इंप्लीमेंटेशन, यानी जिस इंप्लीमेंटेशन हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट लैपटॉप उठा के कोड करना शुरू नहीं कर सकते, आपको पहले एनालिसिस मीन्स कि आपने क्या करना है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट एक्चुअली आर रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, कि आपने डिवेलप क्या करना है, आपने बनाना क्या है। एनालिसिस पार्ट में आपने वो चीज़ देखने की, आपने अंडरस्टैंडिंग अपनी इंप्रूव करनी है। देन कम्स द डिज़ाइन पार्ट। डिज़ाइन पार्ट में आप क्या करते हो कि आप एक लॉजिकल सोल्यूशन बनाते हो। लॉजिकल सोल्यूशन से मेरा मतलब क्या है कि जैसे हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले आप एक नक्शा बनाते हो, डिज़ाइन बनाते हो, आर्किटेक्चर बनाते हो। दैट आर्किटेक्चर इज द लॉजिकल सोल्यूशन ऑफ दैट हाउस प्रियर टू बिल्डिंग, यानी कि बिफोर बिल्डिंग वो क्या होगा, उसका सोल्यूशन होगा, आपको पता है कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। तो सेम इज अ केस इज सॉफ्टवेयर। बिफोर बिल्डिंग और डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर यू नीड टू हैव अ लॉजिकल सोल्यूशन इन योर हैंड्स। अंटिल यू डोंट हैव दैट सोल्यूशन इन योर हैंड्स, यू कैन नॉट, यू विल नॉट बी एबल, यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू गो एंड कोड एंड डेवलप दैट एप्लीकेशन, अदरवाइज इट विल कॉस्ट यू अ ह्यूज अमाउंट, एज आई मेंशन इन माई लास्ट लेक्चर। तो आपके पास क्या है कि आपको डिज़ाइन पहले बनाना पड़ेगा लाजमी। आपको जो आइडियल अप्रोच है उसमें क्या करना होता है कि आपने एनालिसिस कर दिया, अपने अपने अंडरस्टैंड कर दिया प्रोडक्ट को, देन आप जाते हो, आपने डिज़ाइन करना है उसका, आपने लॉजिकल डिज़ाइन मतलब ये नहीं है कि आप इंटरफेसेस बनाते हो, लेआउट्स बनाते हो, फ्रंट एंड पे जो काम होता है कि बटन से कहाँ पे वो यूज़र इंटरफेस या GUI पे हम आते हैं, वो बात की बातें हैं। ये जो हम डिज़ाइन की बात करें, ये बेसिकली आर्किटेक्चर डिज़ाइन की बात करें कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो कितने मॉड्यूल्स में डिवाइडेड हैं, और ये मॉड्यूल्स आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे, कौन सा मॉड्यूल किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा, कौन सा फंक्शन कहाँ पे बनेगा, कैसा होगा सारा कुछ। ये क्या होता है, बेसिकली एक मैप होता है आपके पास, तो डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन हम कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स हैं, जो कि हमारे पास UML डायग्राम्स के नाम से मशहूर हैं, और उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल डायग्राम्स हैं, कुछ बिहेवियर डायग्राम्स हैं। तो क्लास डायग्राम इज अ स्ट्रक्चरल डायग्राम। आप क्या करते हो, क्लास डायग्राम के अंदर आप बताते हो कि कौन सा हमारे मॉड्यूल्स कौन से हैं, क्लासेस कौन से हैं, ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, और इनके बीच में रिलेशनशिप्स कौन कौन से हैं। तो आप क्या करते हो, स्ट्रक्चर एक स्टैटिक व्यू ऑफ एप्लीकेशन आपके सामने आ जाती है। तो जो क्लास डायग्राम है, जो फर्स्ट डायग्राम है जो कि यूजुअली यूज होती है, हम इसको आके देखेंगे। बाकी जो उसके डायग्राम्स हैं, बहुत से यूज केसेस हो गए हैं। उसके बाद है आपके पास सीक्वेंस डायग्राम है, सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम है, फ्लो एक्टिविटी डायग्राम्स हैं, और भी बहुत ज़्यादा है, स्टेट मशीन है, बहुत सारे डायग्राम्स हैं। वो डायग्राम आप क्या कर सकते हो, आप आगे जो डिफरेंट आपके एडवांस कोर्सेज होते हैं उसके अंदर उसको आप देख सकते हो। बट फॉर नाउ वी आर जस्ट गोइंग विद द क्लास डायग्राम, आपको आइडिया हो जाए कि हमने अंडरस्टैंड कर लिया प्रोजेक्ट को, ह्यूज प्रोजेक्ट को। देन हम क्या करेंगे, उसको हम मॉड्यूल्स, हम उसका एक लॉजिकल सोल्यूशन बनाएंगे। बिफोर बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर वी आर गोइंग टू डिवेलप अ लॉजिकल सोल्यूशन फॉर दैट, एंड आफ्टर वी हैव अ लॉजिकल सोल्यूशन इन योर हैंड, वी कैन देन गो फॉर डेवलपमेंट ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। तो आप क्या करते हो कि सबसे पहले जो क्लास डायग्राम है, तो मैंने आपको बता दिया कि क्लास डायग्राम क्या है एक, तो आप आगे इसके हम क्या करते हैं देखते हैं, आपको स्लाइड में नजर आ रहा होगा। तो बेसिकली क्लास डायग्राम है क्या चीज, तो यहाँ पे पहले लिखी हुई डेफिनेशन क्लासेस की, क्लास इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर द सेम एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशन, रिलेशनशिप एंड सिमेंटिक्स। तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि क्लास होती क्या है, कि आपके पास उसमें तमाम सेम ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो कि उनके एट्रीब्यूट्स या फंक्शनैलिटी सेम होंगे, उसको हम एक क्लास में डालते हैं। तो क्लास बेसिकली आपके पास एक टेम्पलेट है, फॉर दैट मैंने पहले मेंशन किया था, हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। तो आप जब क्लास डायग्राम बनाते हो, तो क्लास डायग्राम बेसिकली छोटे छोटे क्लासेस से मिलके एक पूरी डायग्राम बनती है। तो उसके अंदर जो एक क्लास है, उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, वो ऐसी है कि उसके अंदर आपके पास क्या है कि अ क्लास इज रेंडर्ड एज अ रेक्टेंगल यूजुअली इंक्लूडिंग इट्स नेम, एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस इन सेपरेट डिजिग्नेटेड कंपार्टमेंट्स।
तो क्लास डायग्राम के अंदर जो यूजुअली कंपार्टमेंट्स होते हैं जो हम मैंडेटरी हम डालते हैं वो क्या होते हैं, तीन कंपार्टमेंट्स हमारे पास हैं। पहले कंपार्टमेंट में आपके पास क्या आता है, नेम ऑफ द क्लास, सेकंड में आपके पास एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास एंड ऑपरेशंस ऑफ द क्लास। सो अभी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि व्हाट आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास एंड व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ द क्लास, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन ऑल माय प्रीवियस लेक्चर्स। तो आपके पास ये क्या है कि क्लास डायग्राम होगी, उसका जो कंपार्टमेंट है तीन कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट क्लास डायग्राम का नेम, दूसरे में उसके एट्रीब्यूट्स एंड तीसरे में क्या आएंगे उसके ऑपरेशंस आएंगे, जो कि आपने इस फॉर्मेट के अंदर लिखने हैं। तो जो पहला कंपार्टमेंट है हम उसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट कंपार्टमेंट में आपके पास आ जाता है कि आपका नेम आ जाता है कि द नेम ऑफ द क्लास इज द ओनली रिक्वायर्ड टैग, यानी कि आप जब क्लास डायग्राम बनाओगे तो उसके अंदर जो सबसे रिक्वायर्ड है, जो मस्ट आपने जो कंपार्टमेंट है वो नेम ऑफ कंपार्टमेंट है। जब भी आप क्लास डायग्राम बनाओगे तो उसके अंदर आपके पास नेम मस्ट होना चाहिए, बाकी जो जो कंपार्टमेंट्स है दे कैन बी एम्प्टी, वो आप उसको एम्प्टी छोड़ सकते हो, बट नेम इज मैंडेटरी। आपने नेम वाले कंपार्टमेंट को एम्प्टी नहीं छोड़ना, आपने जब भी क्लास बनानी है तो आपने उसको नेम लाजमी साइन करना है। द नेम ऑफ द क्लास इज ऑनली रिक्वायर्ड टैग इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्लास, इट ऑलवेज अपीयर्स इन द टॉप मोस्ट कंपार्टमेंट। सो फर्स्ट कंपार्टमेंट टॉप मोस्ट कंपार्टमेंट के अंदर आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास नेम आपके पास उसके अंदर आएगा। तो उसके बाद एक और बात नेम से रिलेटेड कि नेम हमेशा क्या होंगे, नाउन के फॉर्म में होंगे। अपने क्लास का जो नेम रखना होगा वो अपने नाउन रखना है। उसके बाद वी कम हेयर टू द नेक्स्ट कंपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स कंपार्टमेंट, जहाँ पे आप सारे एट्रीब्यूट्स डालते हो। एट्रीब्यूट्स क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी क्लास के अगेंस्ट कुछ की जो एट्रीब्यूट्स या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके पास क्या आएंगे, सेकंड कंपार्टमेंट में आएंगे। तो एन एट्रीब्यूट इज अ नेम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास दैट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट बीइंग मॉडल्ड इन क्लास डायग्राम, एट्रीब्यूट्स अपीयर्स इन द सेकंड कंपार्टमेंट जस्ट बिलो द नेम कंपार्टमेंट। तो एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, सेकंड कंपार्टमेंट में आएंगे और वो आप उसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स लिखे जाते हैं उसका एक स्पेसिफिक तरीका है, एक वे है। आप देख सकते हो कि आप जब एट्रीब्यूट लिखते हो तो आपके पास क्या है, नेम है पहले, देन वी हैव द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल और द एट्रीब्यूट के ये किस तरह का डेटा होगा। अगर मैं नेम लिख रहा हूँ तो नेम में क्या होगा आपके पास, उसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। सो अभी डेटा टाइप क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है। तो डेटा टाइप्स क्या है कि किस तरह का डेटा आ रहा है, स्ट्रिंग डेटा आ रहा है, कलेक्टर कैरेक्टर का डेटा आ रहा है, डबल है, फ्लोट है, इंटीजर है, विच टाइप ऑफ डेटा इट विल सेव। तो आपके पास जो वेरिएबल है तो उसका डेटा टाइप आपके पास मेंशन करना लाजमी है। तो आप कैसे मेंशन करोगे, क्योंकि पहले आपके पास वेरिएबल का नेम है एंड देन कॉलन एंड देन दी स्ट्रिंग विच आई मीन टू से दैट डेटा टाइप। तो आपके पास एट्रीब्यूट का नेम, कॉलन एंड देन डेटा टाइप। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द एट्रीब्यूट्स इन एट्रीब्यूट कंपार्टमेंट। सो ये आपके पास क्या हो गया, हम देखते हैं। अब इसके अंदर एक और भी चीज भी ऐड करनी होती है जो मैं आपको नेक्स्ट वाले में बताता हूँ, ये वाले में। अब लास्ट जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हम क्लासेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़े थे। एक्सेस स्पेसिफायर्स मैं बता चुका था कि जो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या है कि रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, मेथड्स हैं कि जो हमारे पास हम सेट करते हैं कि आपका जो एट्रीब्यूट्स है या आपके जो फंक्शन हैं कौन इसको एक्सेस कर सकता है और कौन इसको नहीं एक्सेस कर सकता। कि जो एक तरह से प्राइवेसी रूल्स होते हैं कि आपने सेट कर दिया कि ये मेरी वेरिएबल्स हैं, सो जो दूसरे क्लासेस हैं वो इनको एक्सेस कर सकते हैं आसानी के साथ, या पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, या उनको मैं अगर प्राइवेट रखूंगा तो कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो हमारे पास क्या होंगे, हमने पढ़े थे कि पब्लिक था एक एक्सेस स्पेसिफायर में से एक, जिसमें हम क्या करते हैं कि जब हम एट्रीब्यूट्स को पब्लिक रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसको कोई भी दूसरी क्लास एक्सेस कर सकती हैं, उस एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करके उसके अंदर वैल्यूज सेव या उनकी जो वैल्यूज है उनके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो सेकंड हमारे पास था वो प्राइवेट था। जो प्राइवेट में हमने क्या कहा था कि प्राइवेट के अंदर जो भी हमारे डाटा होगा वो प्राइवेट होगा, उसको कोई दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको गेटर सेटर के थ्रू होके जाना पड़ेगा इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए। तो ये मेरे पास क्या था, प्राइवेट का था। तीसरा मैंने कहा था प्रोटेक्टेड का होता है, जो कि हम इनहेरिटेंस वाले टाइम पे पढ़ेंगे। प्रोटेक्टेड का मैं जस्ट आपको आइडिया दे दूं कि होता क्या है। इनहेरिटेंस में जब आप क्या करते हो कि आप एक क्लास को इनहेरिट करते हो दूसरी क्लास से, तो आपकी जो डिराइव्ड क्लास हो जाती है उसमें क्या होता है कि जब आप जो पेरेंट क्लास में किसी एट्रीब्यूट को प्रोटेक्टेड रखोगे तो वो डिराइव्ड क्लास में क्या हो जाएगा, प्राइवेट बन जाएगा, और वो डिराइव्ड क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा और उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। लेकिन आपके पास क्या होगा, डिराइव्ड क्लास में भी एक्सेसिबल होगा और पेरेंट क्लास से का जो एट्रीब्यूट होगा वो डिराइव्ड क्लास में डायरेक्टली एक्सेसिबल होगा, बट आप उसको डिराइव्ड क्लास से बाहर कहीं और डिराइव्ड क्लास से बाहर वो कहीं पे एक्सेसिबल नहीं होगा, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते।
तो ये क्या है बेसिकली, प्रोटेक्टेड का काम है जो कि इनहेरिटेंस में हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि हम उसको करेंगे। इनहेरिटेंस हो गया, उसके बाद आपके पास आ जाता है डिराइव्ड। डिराइव्ड कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है उस तरह से। ये क्या है कि आपके पास क्लास डायग्राम के अंदर हम डिराइव्ड को रिप्रेजेंट करते हैं विद फॉरवर्ड स्लैश, कि आपके पास क्या है कि डिराइव्ड कैसे होगा, बट ये स्पेसिफिकली कोड के अंदर हम इसको इस तरह मेंशन नहीं करते और ना ही ये एक स्पेसिफिक किस्म का एक्सेस स्पेसिफायर है। बट डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, वो एट्रीब्यूट्स होते हैं कि जिनकी वैल्यूज को हम किसी और वेरिएबल से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेट है, अगर आपके पास किसी बंदे के, अगर आप किसी बंदे से एक एट्रीब्यूट ले लेते हो डेट ऑफ बर्थ, आपने उसे पूछा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपको फिर उससे एज पूछने की जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि जब आपके पास डेट ऑफ बर्थ आ गई देन यू कैन कैलकुलेट द एज ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम हिज और हर डेट ऑफ बर्थ। तो आप डेट ऑफ बर्थ से उसकी एज की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब एज क्या है, इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू हम डेट ऑफ बर्थ से डिराइव कर रहे हैं। तो बेसिकली डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स ये वाले होते हैं कि जिनकी वैल्यूज आप किसी और वेरिएबल या किसी और जो आपके पास डाटा मेंबर है उस क्लास का, उससे आप क्या करते हो डिराइव करते हो, तो इसलिए हम इसको डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। और क्लास डायग्राम में हम क्या करते हैं, उसको फॉरवर्ड स्लैश रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि एक सिग्नेचर इंडिकेशन टू द डेवलपर्स कि इसकी वैल्यू अपने डायरेक्ट यूजर से नहीं आस्क करनी या इनपुट नहीं करवानी, आपने क्या करना है इसको किसी और वेरिएबल से आपने उसको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास ये क्या हो गया, डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो पब्लिक, अगर आपने अगर अपने डाटा मेंबर्स को पब्लिक रखना है तो उसको आपने क्या करना होगा, उसके साथ आपने प्रीफिक्स के अंदर प्लस का साइन लगाना होगा। जैसे आपको डायग्राम के नजर आ रहा है उसके अंदर क्या है, प्रीफिक्स के अंदर प्लस का साइन है। और अगर आपने उसको प्राइवेट में रखना है तो प्राइवेट में क्या होगा, उसके अंदर प्रीफिक्स में माइनस का साइन होगा। एंड इन द केस ऑफ प्रोटेक्टेड वी विल पुट हैश साइन इन द प्रीफिक्स ऑफ द डाटा मेंबर, एंड इन द केस ऑफ द डिराइव्ड डाटा मेंबर्स यू विल जस्ट पुट द फॉरवर्ड स्लैश इन द प्रीफिक्स ऑफ दैट डाटा मेंबर। सो दिस इज हाउ you write them in the form of the class diagram. तो आप अपने data members को class diagram के अंदर इस तरह लिखते हो। तो I hope अभी तक तो easy सा था, इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर कुछ भी समझना। तो ये अभी अभी तक हमने क्या बात की है कि हमारे पास क्या है, ये डिराइव्ड क्लास तक ये हमने कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट्स की बात की। पहले कंपार्टमेंट में आपके पास क्या था, क्लास का नेम आ जाता है, और सेकंड कंपार्टमेंट में आपके पास क्या था, एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं कि आपने इसको कैसे लिखना है। एट्रीब्यूट आप लिखते हो उसके एट्रीब्यूट का नेम एंड देन कॉलर एंड देन डाटा टाइप ऑफ दैट एट्रीब्यूट कि उसके अंदर किस तरह का डाटा सेव होगा। एंड फिर आप एक्सेस स्पेसिफायर्स भी साथ बताते हो कि वेदर दिस डाटा इज गोइंग टू बी अ पब्लिक डाटा और प्राइवेट डाटा और इट्स गोइंग टू बी अ प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर। सो ये आप भी मेंशन कर देते हो उसके साथ कि किस तरह का, इसके साथ आपने कैसा रूल सेट करना है, टू बी एक्सेसिंग रूल आपने सेट करना होता है कि ये मेरा मेंबर है इसको मैंने कैसे एक्सेस करना है। तो दिस इज ये जो हमारे पास अभी तक था वो हमने दो कंपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ा। तीसरा हमारे पास जो कंपार्टमेंट है, थर्ड कंपार्टमेंट इज बेसिकली वो, उसमें क्या होता है कि आप अपने फंक्शंस लिखते हो अपने क्लास डायग्राम के, अपनी जो क्लास है आपने, हमने कहा था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या करते हैं, क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसके अंदर हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो क्लास है उसके अंदर स्पेसिफिक कौन कौन से आपके पास फंक्शन वो परफॉर्म करेगा। तो वो जो फंक्शंस हैं वो भी आपने क्लास डायग्राम के अंदर मेंशन करने हैं। तो वो कैसे मेंशन होंगे, वो थर्ड आपके पास जो कंपार्टमेंट होगा उसके अंदर मेंशन होंगे। ऑपरेशन डिस्क्राइब द क्लास बिहेवियर। सो मैंने आपको पहले भी कहा था बिहेवियर्स मेथड फंक्शन दीज आर ऑल द सेम टर्म्स दैट आर यूज्ड फॉर द सेम, जो आपके पास टर्मिनोलॉजी है जिसको मेथड, जिसको हम कॉमनली फंक्शंस बोलते हैं। तो मेथड बिहेवियर आपके पास क्या होगा, फंक्शंस ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अपीयर इन द थर्ड कंपार्टमेंट, ये क्या होगा आपके पास तीसरे कंपार्टमेंट में अपीयर होगा जिसके अंदर ईट है, जैसे आपको नजर आ रहा है कि पर्सन कैन ईट स्लीप वर्क एंड प्ले। तो दीज आर बेसिकली द फंक्शन। एंड फंक्शन के प्रीफिक्स के अंदर आपने क्या लिखना होता है, अब फंक्शन की प्रीफिक्स में आपने लिखना होगा, आपने उसको जैसे अब ये आपके पास यहाँ पे आएगा तो आप इसके साथ भी डेटा टाइप लिखोगे कि अगर वो कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा तो आपके पास ये वॉइड आ जाएगा। एंड देन आपने इसके साथ भी अपना क्या करना है, प्रीफिक्स में ऐड करना है, क्योंकि सारे फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं पहले से ही आपके पास वो सारे फंक्शन बाय डिफॉल्ट आपके पास होंगे पब्लिक होंगे। ऐसा कोई एक आध फंक्शन होगा जो कि प्राइवेट जिसको आप रखोगे, जो कि सिर्फ उसी क्लास के अंदर उसको काम करवाना है आपने उनसे, उसी क्लास के अंदर जब अगर वो यूज होगा तो आप उसको क्या कर लोगे, प्राइवेट रख लोगे, अदरवाइज आप उसको पब्लिक रखते हो सारे। तो आपने क्या करना है फंक्शन के साथ आपने उनकी डाटा टाइप लिखनी है, जैसे कि मैंने वर्ड इट लिखा है, एंड देन आपने उसके साथ क्या करना है, आपने उसके साथ पब्लिक, आपने उसके साथ वो प्लस का साइन भी लगाना है उसके प्रीफिक्स के अंदर, ताकि वो आइडिया हो जाए कि ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको ये दूसरे स्लाइड पे नजर आ रहा होगा, दिस इज हाउ द क्लासेस क्लास डायग्राम विल लुक लाइक। तो आपके पास ये क्या है, किस तरह से आप क्लास डायग्राम बनाते हो, दिस इज द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास डायग्राम।
तो आपके पास क्या है कि आप देख सकते हो कि हर एक जो उसका कंपार्टमेंट है, हर दफा जो नेम है वो मैंडेटरी है, आपने हर दफा नेम लाजमी डालना है। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कि आपके पास किसी डायग्राम किसी वाले में आपके पास दोनों नहीं है, उसके मेथड्स भी नहीं है और उसके एट्रीब्यूट्स भी नहीं है। आप उसको ऐसे छोड़ सकते हो, किसी के अंदर आपके पास सिर्फ मेथड या फंक्शन नहीं है, किसी के अंदर आपके पास मेथड सिर्फ फंक्शन है और उसके मेथड नहीं है। तो दिस इज हाउ दी क्लास डायग्राम कैन बी डिपेक्टेड एंड आप इस तरह बना सकते हो। तो ये था तमाम किसके बारे में, क्लास डायग्राम के बेसिक्स के बारे में, कि हम बेसिकली ये तीन कंपार्टमेंट जो क्लास डायग्राम के होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। इसके बाद हम इस क्लास डायग्राम को बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताता हूँ जो कि फ्री है। इसको हम कहते हैं स्टार यूएमएल। ये एक सॉफ्टवेयर है स्टार यूएमएल का, जिसको आप फ्रीली अवेलेबल है आपके पास इंटरनेट पर। आप इसको डाउनलोड करोगे और बहुत लाइट वेट है, आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपके पास ये आसानी से डाउनलोड हो जाएगा और इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। तो आप अगर कोई क्लास डायग्राम आपने इसके अंदर बनानी है या बिल्ड करनी है तो वो सिंपल है। आप क्या करोगे, इसके अंदर आप जस्ट क्लास डायग्राम नहीं, फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। बाकी भी फ्यूचर में आप जितने भी डायग्राम पढ़ोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप सारे इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो। आप मॉडल पे जाओगे, एड डायग्राम पे जाओगे, सो यू कैन सी देयर दीज आर द डायग्राम दैट यू कैन ड्रॉ इन दिस सॉफ्टवेयर। सो क्लास डायग्राम, पैकेज डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम, कॉम्पोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट, यूज केस सीक्वेंस एंड दीज आर ऑल लॉट ऑफ डायग्राम्स। फ्लो चार्ट भी इसके अंदर है, ईआर डायग्राम, ईआर डायग्राम डेटाबेस को अगर आपने डिजाइन करना है तो वो भी आपके पास इसके अंदर आप ड्रॉ कर सकते हो। तो हमारा जो मेन फोकस है वो क्लास डायग्राम है। आप जब क्लास पे करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्लास डायग्राम से रिलेटेड जो आपके पास नोटेशंस होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, कि जो हम नोटेशंस वगैरह यूज करेंगे अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिंबल्स हम क्लास डायग्राम के अंदर यूज करते हैं। बट फॉर नाउ हमने सिर्फ एक सिंबल देखा है, रेक्टेंगल टाइप ऑफ सिंगल विद तीन कंपार्टमेंट्स। तो ये आपके पास देख सकते हो कि आपके पास एक क्लास के नाम से लिखा हुआ है। इसके अंदर आपने जैसे उस पर क्लिक करना है, जब वो हाईलाइट हो जाएगा अपने ब्लैंक एरिया के ऊपर, कहीं पे भी दोबारा क्लिक करना है तो वो क्लास डायग्राम खुद ब खुद बन जाएगा। तो आपके पास जो फर्स्ट वाला होगा उसमें आपने क्लास का नाम लिखना है, जैसे कि मेरे पास पर्सन था, पर्सन लिख दिया तो आप देख सकते हो मेरे पास एक क्लास का बन गया। अगर आपने इसके अंदर मेथड्स को ऐड करना है तो आप जाओगे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स पे, एट्रीब्यूट पे गए, आप यहाँ पे एट्रीब्यूट के साथ आपने क्या कर दिया, नाम लिख दिया। मैं लेट्स सपोज कहता हूँ नेम है, कॉलन डाल के मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, तो ये मेरे पास एट्रीब्यूट था। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि मेरे एट्रीब्यूट के पास क्या आ रहा है, जो एक्सेस स्पेसिफायर प्लस आ रहा था, तो मैं यहाँ पे जाके उसको देख सकते हो आपके पास के आप इसको पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में से कोई और चूज कर सकते हो। तो मैंने क्या करना है, इसको प्राइवेट रखना है, तो मैं इसको प्राइवेट रखूंगा, देन उसके साथ माइनस आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, आप किस तरह आप अपने डिफरेंट ऐड कर सकते हो। आपने दूसरा ऐड करना है तो आप दूसरा एट्रीब्यूट ऐड कर लो। दूसरे एट्रीब्यूट के अंदर आपने क्या रखना है, लेट्स सपोज अब मैंने उसकी सैलरी रखनी है, तो सैलरी को मैं डबल में ले लूंगा, डबल लिया और उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करके आपके पास ये जो वाला विजिबिलिटी का जो आइकॉन आएगा उसके अंदर आपने प्राइवेट चूज करना है, और आपने नीचे कहीं भी डबल क्लिक करोगे तो आपके पास वो रीसेट हो जाएगा और उसमें वो सेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास क्या था, आप कैसे क्लास डायग्राम के अंदर ऐड कर सकते हो एट्रीब्यूट्स एंड देन हाउ यू कैन ऐड दी ऑपरेशंस इनटू इट। सो आप जाओगे उसके अंदर, आपके पास एट्रीब्यूट के नीचे यहाँ पे ऑपरेशन का नजर आएगा, आप ऑपरेशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑपरेशन आ जाएगा। मैं लिखूंगा void eat और यहाँ पे मैंने इसके साथ लिख दिया। अब जब मैं लिखूंगा जिसके साथ डिफॉल्ट में प्लस का साइन आ रहा है, अब इसको भी वही सारे काम इसके साथ कर सकते हो, बट डिफॉल्ट वो प्लस में आ रहा है, पब्लिक आ रहा है, तो आपने उसको एज इट इज ही छोड़ देना है। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ अस क्लास डायग्राम एंड एज मैनी क्लासेज यू कैन ऐड। आप जितनी मर्जी क्लासेस ऐड करना चाहते हो, आप जब उस पर क्लिक करते जाओगे, आप इधर पेस्ट करते जाओगे, आपके पास क्लासेस बनती जाएंगी। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रीनेम द क्लास नेम एंड देन ऐड योर ओन एट्रीब्यूट्स एंड देन ऑपरेशंस एंड स्पेसिफाइंग द एक्सेस टाइप, द एक्सेस स्पेसिफायर दैट इन विच टाइप ऑफ विच एक्सेस स्पेसिफायर यू वांट अपने जो उसको क्या करना असाइन करना है, कि आप उसको जो एक्सेस स्पेसिफायर असाइन कर रहे हो वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली इस फीड हो जाएगा। तो ये क्या था आपके पास, बेसिकली आपके पास ये क्लास डायग्राम कैसे बनाते हैं यूएमएल के अंदर, तो ये मैंने आपको बता दिया था। ये आपको सॉफ्टवेयर का बताया, आप इसको डाउनलोड करोगे गूगल पे, आप सर्च करोगे आराम से आपको मिल जाएगा, और उसका डाउनलोड आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा, और ये बहुत लाइट वेट है एंड आपको ये पूरे कोर्स के अंदर और बाद में भी इस डिग्री के अंदर आपको फायदा देगा। तो ये था तमाम आपके क्लास डायग्राम के बारे में, ठीक हो गया।